हाय एवरीवन, मैं हूं सौरभ एंड आप सबको एक नया वीडियो और एक नया प्रोजेक्ट के साथ मैं इस चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तक मैं मेरी चैनल के ऊपर जितना भी दोस्तों प्रोजेक्ट किया हूं, उनमें से गाइस ये जो चीज़ है ना, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि दोस्तों, इसको बनाने से पहले मुझे इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था, लेकिन गाइस मैं जब इसको बना के चलाया हूँ तो इसका जो रिजल्ट है ना, काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। एक्चुअली दोस्तों, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, एक्चुअली दोस्तों ये ग्रास कटर है और ये वजन में बहुत ही हल्का है, जैसे आप देख सकते हो एकदम हल्का है। तो सबसे पहले चलिए मैं इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये इसका हैंडल है जिससे हम लोग कुछ इस तरह से पकड़ते हैं। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक स्विच का इस्तेमाल किया हूँ। दोस्तों इस स्विच की मदद से हम लोग इस चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक लिथियम आयन बैटरी को मैं लगाया हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरह से दो सोलर पैनल को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। और इस सबसे खास बात, इसका जो एंगल है ना, कुछ इस तरह से चेंज होता है ताकि धूप के साथ हम लोग इसका मतलब इसका जो एंगल है इसको एडजस्ट कर सके। और दोस्तों इसका जो पूरा बॉडी है ना, लकड़ी से बना हुआ है, मतलब जो फ्रेम है इसका पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और यहाँ पे गाइस मैंने एक डीसी मोटर को इस्तेमाल किया हूँ और यहाँ पे कुछ ब्लेड लगा के ही इसको कंप्लीट कर दिया हूँ। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, लेकिन गाइस छोटा चीज़ है, सिंपल चीज़ है, लेकिन गाइस इसका जो काम है ना, बहुत ही शानदार है। तो गाइस चलिए सबसे पहले इसका कुछ झलक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको बनाने के लिए मैं किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया हूँ और कैसे मैं इसको बनाया हूँ। और तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये चीज़। और जो और दोस्तों ये चीज़ आपका आपको पसंद आया है तो गाइस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे दोस्तों मैं इस वीडियो के जरिए आपको कोई भी गलत मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों किसी भी पेड़ पौधे को काटना हमारी प्रकृति के लिए हानिकारक है। लेकिन गाइस हमारे घर की चारों ओर साफ सुथरा रखने के लिए हमें कुछ इस तरह के पेड़ पौधे को काटना पड़ता है। तो गाइस मैं भी पेड़ पौधे काटने का खिलाफ ही हूँ। तो गाइस आप लोग प्लीज़ यार इस वीडियो का बुरा मतलब मत निकालना। तो दोस्तों इसको बनाना एकदम सिंपल है। मैं आप जैसे देख सकते हो, एक फ़ैन को मैं कुछ इस तरह से कट कर लिया हूँ, मार्केट में जो 5 रुपया वाला फ़ैन मिलता है। तो गाइस सारा प्रोसीड्योर एकदम सिंपल है, आप वीडियो में बने रहिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं जो मेरे घर में एक पुराना खिलौना था उसके अंदर इस तरह का एक मोटर था, तो इसको मैं खोल के लगा लिया हूँ। आप देख सकते हो मोटर से दो तार निकल के आया है, एक के साथ मैं बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया हूँ और दूसरे वायर के साथ मैं एक स्विच को कनेक्ट कर दिया हूँ ताकि हम लोग इसको ऑन ऑफ कर सके। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ग्लू गन की मदद से मैं इस स्विच को इस फ्रेम के साथ अच्छे तरीके से इसको चिपका दिया हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं दो छोटे छोटे सोलर पैनल को पैरालली कनेक्ट कर रहा हूँ। पैरालल कनेक्शन मतलब दो सोलर पैनल का जो दोनों पॉजिटिव पोर्ट है, पॉजिटिव को दो पॉजिटिव को मैं एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और दो नेगेटिव को मैं एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइस ये जो पैनल है दोस्तों ये 6 वोल्ट का पैनल है और गाइस इस तरह की पैनल आपको ऑनलाइन 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो इस प्रोजेक्ट पे दोस्तों मैं यहाँ पे सोलर पैनल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, आप इसको इस्तेमाल करते करते ये चार्ज हो जाएगा, मतलब आप पूरे दिन, मतलब आप इसको लंबे समय तक इसको चला सकते हो, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर हम लोग ये काम को दिन के टाइम ही करेंगे। तो दिन के टाइम यहाँ पे दोस्तों बैटरी डिस्चार्ज भी होता रहेगा और साथ में चार्ज भी होता रहेगा और अलग किसी चार्जर का भी ज़रूरत नहीं है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो चार्जिंग का वाला जो झंझट होता है इस चीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर चार्ज ख़त्म भी हो जाता है तो आप 1-2 घंटे धूप में रख दोगे तो ये अच्छे से चार्ज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो मैं बैटरी को इस्तेमाल किया हूँ ये 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है और इस सोलर पैनल का जो वोल्टेज है गाइस वो 5 से 6 वोल्ट के आसपास है। तो गाइस ये अच्छे से हमारी जो ये छोटे बैटरी को चार्ज कर देगा। और दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करने से पहले आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक डायोड का इस्तेमाल किया हूँ दोस्तों। डायोड इसलिए इस्तेमाल किया हूँ दोस्तों ताकि रात के टाइम या फिर जब हम लोग इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब दोस्तों सोलर पैनल से कोई पावर जनरेट नहीं होगा, तो गाइस उस टाइम बैटरी का जो वोल्टेज सोलर पैनल की तरफ आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग डायोड लगा दिए हैं। तो ये डायोड का ये काम है, तो सोलर पैनल से बना हुआ वोल्टेज बैटरी तक जाएगा लेकिन बैटरी से बना हुआ जो स्टोर किया हुआ करंट है वो सोलर पैनल तक नहीं आएगा। तो गाइस इसलिए हम लोग डायोड को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं है दोस्तों, बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव के साथ मैं डायोड कनेक्ट कर दिया हूँ और वो डायोड से जो वायर बाहर निकल के आया है वो मैं सोलर पैनल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ और इस सोलर पैनल का जो नेगेटिव वायर है मैं नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना छोटे होने के बावजूद भी ये चीज़ किस तरह से काम कर रहा है। तो गाइस इसका मतलब नहीं है आप इस तरह के छोटे ग्रास कटर को लेके आप बड़े बड़े जंगल को साफ करने जाओगे। एक्चुअली दोस्तों हमारे घर के आसपास जो छोटे मोटे पेड़ पौधे घास वगैरह उग जाते हैं ये सारी चीज़ को काटने के लिए दोस्तों ये ग्रास कटर आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो गाइस इस ग्रास कटर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो गाइस फिलहाल मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे।